क्या आपने कभी स्टेथोस्कोप्स यूज किए हैं? आप उससे हार्टबीट, लंग्स और इंटेस्टाइन की आवाजें तो सुन सकते हैं, साथ ही साथ आर्टरीज और वेन्स के ब्लड फ्लो को भी सुन सकते हैं। और आपको पता है पहला स्टेथोस्कोप्स कब और कहाँ बना था? आज से 200 साल पहले 1816 में रेने लाइनेक ने पेरिस में स्टेथोस्कोप्स इन्वेंट किया था, क्योंकि वो अनकंफर्टेबल थे एक फीमेल पेशेंट के सीने में कान लगाकर उनकी हार्टबीट सुनने के लिए। तो उन्होंने एक पेपर को रोल किया और उस पेशेंट के सीने पर रखकर दूसरी तरफ से उनकी हार्टबीट सुनी। परफेक्ट। कुछ सालों में ये स्टेथोस्कोप्स चेंज होता गया, जैसे ट्रूबे स्टेथोस्कोप और ट्यूब जैसे स्टेथोस्कोप्स भी आने लगे। 2012 में एक रिसर्च पेपर ने क्लेम किया है कि किसी भी और मेडिकल इक्विपमेंट के कंपैरिजन में जब हम डॉक्टर्स को स्टेथोस्कोप्स के साथ देखते हैं तो हमारा उन पे भरोसा ज्यादा होता है। इसीलिए आज स्टेथोस्कोप हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए एक सिंबल है।